हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के रायपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के सौदागरों के विरोध पुलिस थाना रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा की लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई। 757 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट सहित एक मुलजिम गिरफ्तार। अवैध डोडा पोस्ट परिवहन का तस्करों का नया तरीका, एम्बुलेंस में परिवहन किया जा रहा था अवैध डोडा पोस्ट। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह के आदेश अनुसार जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ एवं शराब तस्करी की रोकथाम व धरपकड़ हेतु विशेष अभियान के तहत सुरेश कुमार RPS वृत्त अधिकारी महोदय वृत्त जैतारण के निर्देशानुसार रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा के नेतृत्व में प्रत्येक मील RPS प्रोबेशनर थाना अधिकारी मय जापता व राज दीपेंद्र सिंह प्रभारी वर मय जापता लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई करते हुए NH 162 पर बर से झाला की चौकी के बीच हाईवे पर पक्षी धाम के सामने मुलजिम रविंद्र पुत्र पुखराज सियाग जाति विशोई निवासी गुड़ा विशोयान पुलिस थाना कूड़ी भक्ता सनी जिला जोधपुर के कब्जे की एम्बुलेंस न RJ14PA4565 में भरा 757 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद कर रविंद्र पुत्र पुखराज सियाग जाति विशोई उम्र 19 साल निवासी गुड़ा विशोयान पुलिस थाना कूड़ी भक्ता सनी जिला जोधपुर हाल जनता कॉलोनी कूड़ी भक्ता सनी जोधपुर को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से फरार मुलजिम रावता राम उर्फ रावल चौधरी पुत्र हरका राम जाति जाट निवासी माता जी की भाकरी भियाड़ पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर हाल 2 सेक्टर कन्या डेरी के पास वार्ड नंबर 49 जोधपुर की तलाश जारी है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।